नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डिजिटल फंक्शन पर। हर बार की तरह आपके लिए एक और फ्रेश वीडियो लाया हूं दोस्तों। आज बात करेंगे सनफिश बायम्स बिस्किट की, बात करेंगे उसके होलसेल प्राइस की बात करेंगे। और दोस्तों ये 5 रुपये वाला बिस्किट है चॉकलेट फ्लेवर का। इससे पहले मैंने ग्रीन इलायची वाला सनफिश बायम्स बिस्किट का भी होलसेल रेट बताया हुआ है। आज मैं चॉकलेट क्रीम का बताऊँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बिकता है 5 रुपये में बिस्कुट क्रीम वाला। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं किराना स्टोर में जनरल स्टोर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों बात करेंगे सनफिश बायम्स बिस्किट की। आप वीडियो में देखेंगे ये क्रीम बिस्किट होता है 5 रुपये वाला, जो कि बच्चे लोग तो बहुत ही ज़्यादा लोग खाते हैं इसको, बच्चे पसंद करते हैं क्रीम वाला बिस्किट को, चॉकलेट वाले को फ्लेवर को। और काफ़ी तेज़ी से बिकता है ये, और आपको छोटी से बड़ी दुकान पर, आपको किराना स्टोर जनरल स्टोर पर आराम से आपको मिल जाएगा, और इसमें मार्जिन भी अच्छा खासा है। और ये ITC कंपनी का प्रोडक्ट है सनफिश बायम्स बिस्किट। सनफिश की यिप्पी भी आती है दोस्तों, हम बात करेंगे बिस्किट की। तो बात करें दोस्तों, इस प्रकार की पेटी आती है, आप देखोगे वीडियो में पूरी पेटी देखोगे, इस प्रकार की आती है 5 रुपये वाली। ये SKU कोड लिखा हुआ है, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट होती है इनकी, जो इनको कोड होता है ये स्टॉक का ध्यान रखने के लिए, इनको पहचान होती है। और इस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, चॉकलेट फ्लेवर है, और इसमें डेट वगैरह भी दी गई है, और बिस्किट कितने ग्राम का है, 38 ग्राम का बिस्किट है एक, और कितने कंटेंट्स निकलते हैं 144 इसमें पीसेस निकलेंगे 5 रुपये वाले। यानी अपन 5 को मल्टीपल करते हैं 144 से, तो 720 रुपये का अपन को माल होता है इस पर। और कुल पेटी का वजन लिखा हुआ 5 किलो 472 ग्राम इस पेटी का वजन है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों इसके होलसेल प्राइस की, रेट जानेंगे हमारे इस पेटी का होलसेल रेट जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेटी कितने की आती है और कितना इसमें मार्जिन है। तो दोस्तों पेटी आती है 600 रुपये की, और कई जगह 610 की भी मिलती है, 10-5 का अंतर मिल सकता है आपको होलसेल की दुकान पर। और इसके अंदर 144 पीस निकलते हैं दोस्तों 5 रुपये वाले बिस्किट के। अब मैं आपको पेटी भी खोल के दिखाता हूँ, और पेटी के अंदर जब मैं खोल के दिखाता हूँ दोस्तों, इसके अंदर 12 बंडल निकलते हैं, और एक बंडल में 12 बिस्किट होते हैं 5 रुपये वाले क्रीम वाले चॉकलेट वाले। पेटी 600 रुपये की आएगी और 144 पीस निकलेंगे आपके, और एक बिस्किट पड़ेगा आपको 4 रुपये 16 पैसे का एक बिस्किट पड़ेगा, और आप इसको मल्टीपल करोगे 144 पीस से, क्योंकि एक पेटी के अंदर 144 पीस है, तो 720 रुपये होते हैं अपन को 5 रुपये बिस्कुट बेचने पर रिटेल पर फुटकर पर। 600 रुपये की पेटी आएगी दोस्तों, 720 का माल निकलेगा, तो आपकी बचत हो गई 120 रुपये की, और आपको एक बंडल पड़ेगा 50 रुपये का, 4 रुपये 16 पैसे का एक बिस्किट है, और 12 को मल्टीपल करते हो तो 50 रुपये का आपको एक बंडल पड़ेगा। लेकिन यदि आप बंडल ही रहते हो दुकानदार से होलसेल रहते हो, तो आपको वो 50 रुपये का नहीं देगा, कम से कम 52-53 रुपये का एक बंडल देगा, क्योंकि आप एक बंडल ले रहे हो तो बंडल का रेट अलग होता है, पेटी का रेट अलग होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये आपको सोचना है कि आपको पेटी लेनी है या बंडल लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं किराना स्टोर व जनरल स्टोर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।